ब्रेकिंग न्यूज चाहिए? बस 3 घंटे इंतजार करो, गड़े मुर्दे उखड़ने वाले हैं आज। नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस केस में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। सच को चाहे जितना मर्जी दबाया जाए पर एक ना एक दिन सच बाहर जरूर आता है। ये कहावत बहुत पुरानी है पर हर दौर में सच एक नया इम्तिहान लेता है और इस बार भी ऐसा ही हुआ। सच बाहर आया लेकिन ऐसे जैसे कोई ज्वालामुखी फट निकला हो। यह सच इतना विषैला था कि तबाही का मंजर खड़ा हो गया। पर क्यों? 30 दिन 30 कहानियों की श्रृंखला में आज हम इस चौंका देने वाले केस का विश्लेषण करेंगे और हमारा साथ देंगे देश के जाने माने क्राइम रिपोर्टर साहिल जोशी। नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। अगले 1 महीने तक क्राइम पेट्रोल सतर्क में मैं लेकर आ रहा हूं कुछ ऐसे अनसुने और अनदेखे केसेस जो मुझे लगता है कि आपको देखना बेहद जरूरी है। डर वो मर्ज है जिसपे इंसान की सोचने की और समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। एक नॉर्मल इंसान भी एबनॉर्मल सा बिहेव करने लगता है। ये दास्ता एक ऐसे ही डर से जुड़ी थी। ये एक ऐसी घटना थी जो एक टाइम बॉम्ब की टिक टिक सुइयों की तरह समय के एक लंबे पड़ाव को खौफ से भरने वाली थी। ये एक विचित्र और अचरज में डाल देने वाली कहानी है जिसने बोकाए वारदात पर मौजूद लोगों के होश उड़ा दिए थे। व्योमा, डेस्क पे मेरी फाइल। क्या हुआ व्योमा, आर यू ओके? इतनी डरी क्यों हो? कुछ नहीं सर। आर यू श्योर? देखो प्रॉब्लम निहारिका कहाँ है? सर निहारिका तो अभी तक आई नहीं है शायद। रिकॉर्डिंग तो अच्छी हुई है पर निहारिका ही नहीं दिख रही। कोई नहीं, कल देखते हैं उसको। निहारिका, आई एम सॉरी, वो एक्चुअली तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी है, मैं बस यही बताने आया था। That's so sweet, thank you. My dear wife, गीले बालों में तुम बहुत सुंदर लगती हो। Thank you, पर वो अशोक ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ठीक है, तुम रेडी हो के आ जाओ बाहर। से ना मिलके तुमने मेरी इंसल्ट की है संजना। अगर मिलना ही नहीं था तो इतना भाव क्यों दिया? तो तुम्हारी हाँ है या ना, हम आज शाम मिल रहे हैं या नहीं? माँ, सौरभ मुझसे जवाब मांग रहा है। कौन सौरभ? माँ, मैंने आपको बताया था ना कि मैट्रिमोनियल सेट में मैंने एक लड़के को पसंद किया है, वही सौरभ। वो मुझसे मिलना चाहता है, उसके बाद मैं आपको उससे मिलवा दूंगी। मुझे नहीं मिलना किसी सौरभ से।
ये इंटरनेट वाले लड़कों पे ना मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये टिफिन ले और ऑफिस जा। माँ आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो। माँ क्या प्रॉब्लम है, जाने दो ना मिलने के लिए। और वैसे भी दी के लिए लड़का तो आप ढूंढ नहीं पा रहे, और सौरभ पसंद है ना, तू जा मिल गया जा। तो चुप कर। देख बेटा मैं तेरा रिश्ता किसी आरे गए लड़के से नहीं करा सकती। तू ना सौरभ को मना कर दे, मैं तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेके आऊंगी। प्रेम नगर ग्राहक सेवा बैंक चलो। व्योमा तेरा टिफिन रेडी है, और याद से तू खाना खा लेना और दवाई भी याद से ले लेना, ठीक है? देख तेरी फ्रेंड संजना का फोन आ रहा है, वो आती होगी, चल रेडी हो जा बेटा। अरे क्या हुआ बेटा, रुक क्यों रही है? अरे देख लेना तो जल्दी ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होगा बेटा। देख संजना का वापस फोन आ रहा है। देवेंद्र वो रामनगर में जो नया एटीएम खुला है, प्रॉब्लम आई उसमें? हाँ सर, मेरी एटीएम मैनेजमेंट वालों से बात हुई थी कल। हाँ मेरी भी बात हुई थी, वो लोग पहुंच रहे हैं, तुम जाओ और सुपरवाइज करो। ठीक है सर। सर मुझे पता करना है कि आपके बैंक का लॉकर सेफ है या नहीं। श्योर। आपका अकाउंट है हमारी ब्रांच में? नहीं, अभी खोल लेते हैं। ये सिक्योरिटी जाओ। अरे सब लोग अपने हाथ ऊपर करो, अपने हाथ ऊपर करो। क्या चाहिए? कोई हिलेगा नहीं। इधर सबसे मोबाइल ले, ठीक है? सब लोग अपना अपना मोबाइल इसके पास दे दो, कोई चला कि नहीं चल ले। ए चल जल्दी कर, ले उसका। बंद कर दिया। ए क्या कर रहा है? ये सारे फोन बाजू में रख और एक एक फोन करके। किसका फोन बजा बे? किसका फोन बजा? ए तेजर छोड़ छोड़, तू ही थोड़ा सा ना पुलिस के पास, तू ही थोड़ा सा, तू ही थोड़ा सा, तू ही थोड़ा सा, चला पड़ेगा, चला पड़ेगा। खड़ी रह चुपचाप। अंदर से गोली चलने की आवाज आई थी। अटैकर्स कितने लोग अंदर? साहब ये तो नहीं मालूम, लेकिन इतना देखा था कि उन लोगों ने गार्ड को गोली मार दी, फिर उसे बाद में उसे अंदर खींच लिया। चल चल चल। हाँ
बेटा हट। सर लैंडलाइन भी कट कर दिया और बाकी सारे स्टाफ का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। सुबह जब तुम बैंक से निकले थे उस वक्त बैंक के अंदर कितने लोग थे? सर दो चार कस्टमर थे और बैंक का स्टाफ था सर बस। बैंक के पूरे स्टाफ के नाम और नंबर ले लो। सर पंकज सर हमारी पूरी टीम को इस बात का ख्याल रखना है कि उन्हें हमारी एक्टिविटीज के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। जो भी करना है छुपके करना है सर। और बैंक की सेंट्रल ब्रांच से कॉन्टैक्ट करो, उनसे पता करो कि हमें बैंक के अंदर का सीसीटीवी एक्सेस मिल सकता है क्या। यस सर। प्रियंका बैंक के बाहर जो ये सीसीटीवी है इससे हमें ये पता चल सकता है कि सुबह बैंक के अंदर कौन कौन लोग गए हों। इस सीसीटीवी की फुटेज अरेंज करो तुरंत। बाहर तो पूरा सन्नाटा है बे। चाय की टपरी है, चावल लगाए, पक्का पुलिस आई है। सर ये मनीष जी हैं हमारे सीनियर स्टाफ, और सर ये अभिनव है हमारे असिस्टेंट मैनेजर, और सर ये जो ऑटो से उतर रहे हैं ना सर ये हमारी हेड कैशियर संजना और उसके साथ सर व्योमा है सर। ये लोग कौन है जो व्योमा के बाद बैंक के अंदर गए? सर ये स्टाफ मेंबर्स तो है नहीं, हो सकता है हमारे कस्टमर हो। ये भी जो ये बाइक पर आया ये कौन है? ये भी सर स्टाफ मेंबर नहीं है, कस्टमर ही होगा। प्रियंका ये बाइक यही है, इस बाइक की डिटेल पता करो और बैंक के अंदर जाने वाले हर आदमी की डिटेल पता करने की कोशिश करो। सर ये हमारे सीनियर मैनेजर प्रमोद जी की कार है और उनके साथ ही निहारिका है। अच्छा ये आदमी कौन है जो बैंक मैनेजर की कार के पीछे पीछे आया बाइक पर? नहीं मालूम सर। ये आदमी बैंक मैनेजर की कार के पीछे पीछे आया, इसने अपनी बाइक रोकी, फोन निकाला, किसी को फोन किया और इमीडिएटली यहाँ से निकल गया। प्रियंका सर इस बाइक की डिटेल से पता करो कि ये बाइक किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। ब्रांच से पता किया यहाँ के सीसीटीवी ऑफ किए गए। बंद होने से पहले की फुटेज मंगवाई? जी सर, वो मुझे मेल करने वाले। अबे साला पक्का पुलिस से बाहर, मैंने देखा एक को, अब क्या करें? सोचते है कुछ, सोचने की जरूरत नहीं, ये लड़कियां बचाएंगी हमें, उनके आबरू का कफन ओढ़ के निकलेंगे। क्यों मैडम दर्द हो रहा है? बैंक के अंदर से लड़की के चिल्लाने की आवाज आ रही है, इससे पहले कि वो किसी को नुकसान पहुंचाए हमें जो भी करना है जल्द से जल्द करना होगा। बैंक के चारों तरफ चेक करो कि कहीं से बैंक के अंदर का कुछ दिखता है क्या, पर सेफली। सर सर इस ब्रांच के सीसीटीवी बंद होने से पहले की फुटेज आ गई, ये देखिए। फुटेज देख के तो यही लग रहा है कि अटैकर सिर्फ दो ही है, इन्होंने गार्ड को गोली मार दी और वो भी जिंदा नहीं बचा। जी सर सेंट्रल ब्रांच से एक बात और पता चली सर, पिछले दो दिन से इस ब्रांच का पैसा वहाँ पे जमा नहीं हुआ। हाँ सर, कल के कलेक्शन के बाद हमारे ब्रांच मैनेजर प्रमोद जी ने मना किया था पैसे ना भेजने के लिए। अमाउंट काफी बड़ा है, इतना पैसा यहाँ रखना सही होगा? हमने कल का पैसा भी नहीं भेजा था। अरे वो ना कुछ कस्टमर्स की रिक्वेस्ट आई थी, उन्हें हैवी विड्रॉल करना कल, इसलिए बोल। एंड डोंट वरी, किसी को नहीं पता हम यहाँ पर इतना कैश रखते हैं। इट्स ओके, डू इट। ओके सर। और सर नियम तो ये है कि ब्रांच मैनेजर ही बैंक खोलेगा, लेकिन हमारे मैनेजर तो उस गेट कीपर को भी चाबी देके रखते थे डेली बैंक खोलने के लिए। क्यों क्यों हमें टॉर्चर कर रहे हो तुम? तुम्हें पैसे चाहिए ना, बैंक में 4 करोड़ रुपए रखा है, जितना चाहिए ले जाओ। अभी बार बार बोल रहा है पैसे लेके जाओ, पैसे लेके जाओ, बाहर पुलिस खड़ी है, पैसे लेके जाओ। है तेरे पास कोई प्लान है? सर बैंक मैनेजर प्रमोद ने पर्पसली दो दिन तक ब्रांच का पैसा सेंट्रल ब्रांच में जमा नहीं किया, और वो ब्रांच की चाबी को भी सिक्योरिटी गार्ड के पास रखता था। कहीं ऐसा तो नहीं इस सब में उसका इन्वॉल्वमेंट है? हो सकता है, लेकिन पंकज रॉबर्स का पहला टारगेट होता है लूट कर भाग जाना, लेकिन यहाँ पर तो रॉबर्स ने बैंक के अंदर अपने आप को बंद कर लिया है, क्या हो सकता है? हो सकता है सर बैंक के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनको लूट के बाद ह्यूमन शील्ड बनाकर भागने की कोशिश हो। प्रेमनगर के ग्राहक सेवा कोऑपरेटिव बैंक में गोलियां चल रही है, एक ऐसे ही गोली का शिकार हुआ है बैंक का सिक्योरिटी गार्ड सुमित वर्मा। बैंक के अंदर कई मासूम फंसे हैं जिनकी जान खतरे में है, अंदर हमलावर कितने हैं, उनके पास किस तरह के हथियार हैं, पुलिस गेस नहीं कर पा रही। क्या ये वाकई कोई एंटी सोशल अटैक है
जो लोकल पुलिस एटीटी को संपर्क कर रही है, या हमलावर लूट और डकैती के इरादे से आए हैं? हमलावरों की गोली पर आखिरकार किसका नाम लिखा है? करोड़ों का माल और कई जाने ताक पर है। आने वाला समय एक भारी तबाही का अंदेशा दे रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बैंक के बाहर से हम आपको बिल्कुल लाइव फुटेज दिखा रहे हैं। बैंक के बाहर फायरिंग भी सुनाई दी गई है, पुलिस कर्मी का यहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है। अबे पुलिस का पूरा पलटन आ गया, अबे अलर्ट रहना पड़ेगा। हमारा मकसद है रॉबर्ट को पकड़ना, किसी भी इनोसेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। क्लियर? जाओ अपने अपनी पोजीशन ले लो। मो सर, सिक्योरिटी गार्ड की एजेंसी में फोन किया, उनको बताया कि सुमित नाम का गार्ड मारा गया है, पर उनका कहना है कि सुमित नाम का कोई भी गार्ड उन्होंने इस ब्रांच में अपॉइंट नहीं किया था। व्हाट? यस सर, बल्कि उन्होंने एक दूसरे गार्ड की फोटो भेजी मुझे, ये देखिए सर, बाबूलाल नाम इसका। उनके मुताबिक इस ब्रांच में बाबूलाल ड्यूटी पर था। हाँ सर, बाबूलाल ही हमारे यहाँ ड्यूटी किया करता था, लेकिन एक हफ्ता पहले वो छुट्टी पे चला गया था। सर सर, मुझे दो दिन के लिए गांव जाना है सर, तब तक एजेंसी वाले सर इसे ड्यूटी पर भेजेंगे, फिर मैं दो दिन के बाद आके ज्वाइन कर लूँगा सर। ठीक है, थैंक यू सर। लेकिन एजेंसी वालों ने तो हमें कुछ नहीं बताया। सर इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, और सर प्रमोद जी ने ही उसे अलाउ किया था दो दिन के लिए। तुम्हारा बैंक मैनेजर प्रमोद दो दिन से पैसा अपनी ही ब्रांच में रखता है, सेंट्रल ब्रांच में नहीं भिजवाता, और अब ये पता चलता है कि वो ड्यूटी पे तैनात गार्ड की जगह किसी दूसरे को ड्यूटी पे रख लेता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैंक मैनेजर भी मिला हुआ है इन लोगों से? मैं क्या बता सकता हूँ इस बारे में? तुम्हारे मैनेजर ने तुम्हें बाहर भेजा था ना बैंक से? सर वो एटीएम मशीन खराब हो गई थी, मैं वो चेक करने गया था। सर आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। चेक तो हम करेंगे। एक मिनट सर, ये बाइक किसी मुकेश माथुर की है। ये बाइक 3 दिन पहले चोरी हुई थी और उसने चोरी होने की कंप्लेंट भी की। मतलब इस बाइक से जो आया वो रॉबर था और वो चोरी की बाइक लेकर यहाँ आया? जी सर। सर इस आदमी की फोटो हमने सारे थानों में सर्कुलेट कर दी थी, उससे पता चला है कि ये आदमी एक नामी क्रिमिनल है उत्कल, जो पहले भी चोरी और लूट के मामलों में अंदर जा चुका है। अच्छा, वो दूसरी बाइक जो बैंक मैनेजर की कार के पीछे आई थी वो किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? सर वो किसी देव कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये वो देव कुमार मायानगर के एड्रेस पे। इनकी सांस फूल रही है। इनहेलर के बैठ, बड़ी डॉक्टर बनती है। तुम्हें बुड्ढे क्यों नौटंकी कर रहा है? अबे चुप, कौन सा? अबे तेरी तो से मना किया था ना तुझे, अब मर। तुझे बचाने के चक्कर में ना ये लड़की मर रही है। अब तुझे देख के मुझे मेरे लाचार बाप की याद आती है, इसीलिए ये इनहेरिटेंस दे रहा हूं। अब ये ले मुकुल। उत्कल, अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि तुम लोग यहां से निकल जाओगे तो बहुत ही गलत सोच रहे हो। मेरी बात मानो, सरेंडर कर दो। सपने मत देख इंस्पेक्टर, गाड़ी चला। अबे गन नीचे करने, तेरे ठोक दूंगा इनको। और क्या बोला तू? सरेंडर? अबे तुम लोग हमको छू भी नहीं पाओगे, तुम्हारी नाक के नीचे से निकल जाएंगे और तुम देखते रह जाओगे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है तेरी, मेरी बात मान, सरेंडर कर दो, इसी में सलामती है तुम सबके। अबे सलामत तो कोई नहीं बचेगा आज। अच्छा ये बताओ तुम लोग चाहते क्या हो, कोई मांग है तुम्हारी? अमृता सिंह, 1 घंटे के अंदर अमृता सिंह को यहाँ देखना चाहता हूँ। ये अमृता सिंह कौन है? पता लगाओ, पुलिस हो तुम? चलो तुम्हारी तलाश थोड़ी आसान कर देते हैं। अमृता सिंह हरिनगर में रहती है, अगर 1 घंटे के अंदर वो यहां नहीं पहुंची तो बाहर गोली की आवाज आएगी और अंदर एक और जान चली जाएगी। अभी पता चला है कि रॉबर्ट्स ने पुलिस से किसी हरिनगर निवासी अमृता सिंह को बुलाने के लिए कहा है। पुलिस भी हैरान है कि रॉबर्ट्स के आखिर मंसूबे क्या हैं? क्या ये कोई बैंक रॉबरी है या फिर अंदर लोगों को हॉस्टेज बना के रखा हुआ है? कौन है ये अमृता सिंह और उसका इस केस से क्या लेना देना है? इन सभी सवालों के जवाब खुद पुलिस वालों के पास भी नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिए जब तक हम सच का पर्दाफाश न कर दें।
अरे मैम आप अंदर नहीं जा सकते प्लीज। मेरी बेटी अंदर है, मुझे उससे मिलना है। मैम हाँ हम देख रहे हैं, आप प्लीज। बाबूलाल का मर्डर। बाबूलाल की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और पता करो कि ये बाबूलाल सुमित को कैसे जानता था कि बाबूलाल ने बैंक में अपनी जगह पर सुमित को काम पर लगवाया। अब तक हम मानकर चल रहे थे कि बाबूलाल ने सुमित को अपनी जगह काम पर लगवाकर ये प्लान बनाया हो, पर बाबूलाल को तो मर्डर हो गया और यहाँ पर सुमित मारा गया। और सर ये हरिनगर के किसी अमृता सिंह को बुलाने की बात कर रहा है, इतने बड़े हरिनगर में अमृता सिंह को कैसे ढूंढेंगे? एक काम करो, हरिनगर पुलिस की मदद लो अमृता सिंह को ढूंढने के लिए। ओके सर। हेलो सर, जो देव कुमार नाम का आदमी बैंक मैनेजर को फॉलो कर रहा था वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। डिटेक्टिव? जी सर, फिलहाल वो अपने ऑफिस से गायब है। हो सकता है डिटेक्टिव क्रिमिनल्स के लिए बैंक की रेकी करने आया हो। इस डिटेक्टिव की पूरी कुंडली निकालो, जल्द से जल्द अंदर चाहिए मुझे। आकाश सर, सेंटर ब्रांच से इस ब्रांच की एक हफ्ते की फुटेज मंगवाओ क्विक। सर सर, वो एक बैंक एम्प्लॉई व्योमा सैनी की मदर है। उनका कहना है कि बैंक आने से पहले व्योमा ने सुसाइड नोट घर पर छोड़ा था। सुसाइड नोट? सर मेरी व्योमा को बचा लीजिए सर, वो खुद को खत्म कर देना चाहती है। इस लेटर में उसने वही लिखा हुआ है। व्योमा को फेशियल डिसीज है, उसकी वजह से मेरी बच्ची को बहुत तकलीफ होती थी, उसकी वजह से ही शायद। अच्छा एक बात बताइए, कभी उसको देखकर आपको ऐसा लगा कि वो किसी दबाव में है, किसी के प्रेशर में है, या वो कनेक्टेड हो इस रॉबरी से? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज मेरी बच्ची को बचा लीजिए सर। संजना दीदी, संजना दीदी, संजना दी। देखो व्योमा, जिंदगी में हमेशा सब खुश नहीं रहते, हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है। मैं जानती हूँ, पर जब मेरा शरीर ही मेरा साथ नहीं दे रहा तो। मनीष सर को देख रही हो? उनको अस्थमा है, उनका शरीर भी उनका साथ नहीं दे रहा है, और वो तो भी अपना एक जवान बेटा भी खो चुके हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी से लड़ रहे हैं, है ना? और प्रॉब्लम तो मेरी। उसका दर्द है ना, वो सहेगी? तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो ना, हमें बख्श दो। ये बख्श दूँ? तुझे बख्श दूँ? तुझे तो सबसे पहले पूछूंगा मैं। सारी तेरिया चरित्र अपने पति के होते हुए मैनेजर के साथ सोचती है तू? सुनिए रेखा के साथ अफेयर तो नहीं आपका? देखिए आपकी कलम करें, हम सबको मरवा देगी। मेरी मान ली कुछ ना कुछ करते हैं, ये दोनों खेल हैं, हम भाग चलते हैं सर यहाँ से। सर प्लीज सर, मेरी बात मानिए सर, हमारे हाथ बंधे हुए, क्या कर सकते हैं? तो कुछ नहीं, आराम से बैठा दे, छोड़ देगा हमें। सर कहीं आपने तो प्लान नहीं किया ना ये सब? आपने वो 4 करोड़ रुपए देने की बात क्यों बोली? तू मुझ पर शक कर रहा है? चुप नहीं तो यहीं पे ठोक दूंगा, समझा? अमृता सिंह क्यों नहीं आया अब तक? हरिनगर पुलिस से मेरी बात हुई, हरिनगर में आज सुबह ही अमृता सिंह नाम की एक लेडी का मर्डर हुआ है। What? या सर, हरिनगर पुलिस अभी क्राइम सीन पे ही है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, लेकिन सर अभी कह नहीं सकते कि ये वही अमृता सिंह है जिसकी वो क्रिमिनल बात कर रहा है। ये क्रिमिनल कोई बड़ा गेम खेल रहा है। पता करो जिस अमृता सिंह का मर्डर हुआ है उस अमृता सिंह का उत्कल, डिटेक्टिव देव कुमार और इस बैंक के किसी भी एम्प्लॉय से कोई कनेक्शन है। सर, संजना मेरी बहन, ये बैंक में काम करती है। प्लीज ठीक है, एक बार साफ से मिलवा दो प्लीज प्लीज सर। सुबह जब अमृता का मर्डर हुआ उस वक्त घर पे कोई और नहीं था, अमृता का हस्बैंड दिल्ली में है। हमें इस घटना की जानकारी इनके यहाँ काम करने वाली मेड ने दी। बहुत ही ब्रूटल मर्डर है। हैरानी की बात यह है कि खूनी अमृता को मार के उसकी एक उंगली भी काट के ले गया। तो किलर का विक्टिम की उंगली काटने के पीछे मकसद क्या हो सकता है, कुछ पता चला? हमें मेड से पता चला कि अमृता उस उंगली में एक डायमंड रिंग पहना करती थी जो कि अब गायब है। और स्ट्रेंज बात है, इसके अलावा घर में किसी भी तरह की लूटपाट के कोई संकेत नहीं। अगर ये सिर्फ लूट होती तो किलर विक्टिम की उंगली से सिर्फ डायमंड रिंग को ही गायब क्यों करता, वो भी उंगली काट कर? नहीं सैनी, ये माजरा कुछ और ही है। ये वो अटैकर हो सकता है
जो अमृता के घर आते वक्त सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुआ, लेकिन इसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा। हम इस घर के आसपास की दूसरी फुटेज भी निकलवा रहे हैं। लेकिन हमारे लिए स्ट्रेंज बात यह है कि प्रेमनगर की ग्राहक सेवा केंद्र में मौजूद क्रिमिनल्स हरिनगर की रहने वाली अमृता सिंह को क्यों बुला रहे हैं? हमने बैंक को चारों तरफ से घेर तो लिया है, लेकिन हमारे लिए जरूरी है एक ऐसा प्लान बनाना जिससे हम अंदर जाकर सबको सेफली बाहर निकाल सके, और उसके लिए जरूरी है ये पता लगाना कि अंदर चल क्या रहा है। क्योंकि हो ना, इसके जरिए कैमरे अंदर पहुंचाओ, उस समय पता चल जाएगा कि क्रिमिनल्स की एक्टिविटीज क्या है। फास्ट 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 सर। प्रियंका, जैसे ही कैमरा अंदर लगता है उसकी फुटेज दिखाओ मुझे। सर, बैंक में एक संजना नाम की लड़की काम करती है, बाहर उसकी माँ और उसका भाई आए हैं। सर, वो किसी सौरभ पे शक जता रहे हैं। सौरभ कौन है? सौरभ सौरभ से एक मेट्रोमोनियल साइट पे कांटेक्ट में आई थी संजना, और मुझे शुरू से उस पे शक था कि वो जरूर फ्रॉड करेगा संजना के साथ। कैसा फ्रॉड? और ये सौरभ कौन है? सर, हम तो कभी नहीं मिले उस सौरभ से, लेकिन वो ना अब ये सब देख के मुझे लग रहा है कि वो संजना का कैशियर होने का फायदा उठाकर उसे फंसा रहा था। हाँ सर, संजना दीदी ने शादी करने के लिए भी मना कर दिया था, और मुझे लगता है ना सर कि इसी की वजह से वो संजना के साथ सबको बंधक बना के रख लिया। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सौरभ ने सबको बंधक बनाया होगा? कभी संजना ने इस बारे में कुछ कहा था आप लोगों से? हमें कुछ नहीं पता सर, बस हमारी बच्ची को छुड़वा दीजिए सर। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी बेटी को बचा लेंगे। प्रियंका, ये संजना की माँ और भाई जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये बातें बहुत ही अटपटी लग रही हैं। क्या उत्कल के साथ जो दूसरा आदमी है अंदर, वो सौरभ भी है? एक काम करो, संजना का सोशल मीडिया अकाउंट खोलवाओ, देखो उसमें कोई सौरभ मुखा है। अमृता सिंह आई नहीं अभी तक, तो पुलिस वाले हमको बेवकूफ तो नहीं बना रहे? साला, अबे चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? तू तो बोला था कि लूट के पैसे लेके भाग जाएंगे, अब कैसे भागेंगे? पुलिस आ गई बाहर। मैं तो उससे बात कर रहा हूँ, कुछ बोलेगा? स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर इंस्पेक्टर, वरना सब मरेंगे। देख, मेरे हवलदार पे गोली चला के तूने अच्छा नहीं किया। तू ये बोल चाहता क्या? क्या मांगे तेरी? बता तो दिया है कहां अमृता सिंह? देख, मैं अपने हवलदार को यहां से शिफ्ट कर रहा हूं, उसको ले जाने देना, किसी पे गोली मत चलाना। अगर तूने गोली चलाई तो ठीक नहीं होगा तेरे लिए। सर, उस फुटेज में जो आदमी नजर आ रहा है उसी ने अमृता सिंह का मर्डर किया है। एक बात और पता चली है सर, 10 साल पहले तक ही अमृता सिंह ग्राहक सेवा बैंक में जॉब कर रही थी। तो ये क्रिमिनल हमसे उसी अमृता सिंह को बुलाने की बात कर रहा था जिसका आज सुबह मर्डर हुआ? अमृता को मानने वाला ये आदमी है कौन? मैं पता लगवा रहा हूँ सर, अमृता का हस्बैंड भी दिल्ली से आ गया है, मैं और हरिनगर पुलिस हम दोनों से इंक्वायरी कर रहे हैं। योगेश जी, माफ कीजिए, मैं जानता हूं कि ये सही वक्त नहीं है क्वेश्चन पूछने, बट इट्स वेरी अर्जेंट। सनी, फुटेज में ये जो आदमी है, क्या आप बता सकते हैं कि कौन है? ये तो क्या हुआ? आप चुप क्यों हो गए? साफ साफ बताइए, कैसे जानते हैं आप इस आदमी को? बोलिए। अच्छा, जिस कैमरे को गोली लगी थी उसकी फुटेज दिखाओ मुझे। गोली लगने से पहले कुछ तो रिकॉर्ड हुआ होगा। आदमी का बॉडी। हाँ पंकज। सर, उस आदमी का नाम पता चल गया है, उसका नाम रजनीश है। हैरानी की बात तो यह है सर, किस रजनीश ने 6 महीने पहले अमृता को 10 लाख रुपए में अपनी किडनी बेची थी, और अब उसी ने उसका मर्डर कर दिया। उत्कल, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि रजनीश इस वक्त तुम्हारे साथ अंदर मौजूद है, और हमें इस बात का भी अंदाजा है कि डिटेक्टिव देव कुमार भी तुम्हारे साथ मिला हुआ है। अब तुम ये बोलो कि तुम चाहते क्या हो? बहुत तेज दिमाग चल रहा है तेरा इंस्पेक्टर। ना, पीछे पीछे, पहले अमृता की बात कर ले। कहाँ है वो? अमृता सिंह का तो तूने सुबह ही मर्डर कर दिया है रजनीश। पता चल गया तुम्हें? बहुत अच्छी बात है, अब सुजीत सिंह का पता लगा। सुजीत सिंह? 15 मिनट है तुम्हारे पास, अगर सुजीत सिंह नहीं मिला ना तो यहां और जाने जाएंगी। यस सर। अमृता सिंह इस बैंक में 10 साल पहले काम करती थी, और अब ये क्रिमिनल्स किसी सुजीत सिंह की बात कर रहे हैं।
हो सकता है सुजीत सिंह इस बैंक से कनेक्टेड हो। तुम जानते हो किसी सुजीत सिंह को? सुजीत सिंह सर, एक सुजीत सिंह हमारे बैंक के सीनियर पोस्ट पे काम करते हैं और उनके अंडर में इस एरिया की 16 ब्रांचेस आती हैं सर। इस सुजीत सिंह का एड्रेस और नंबर दो मुझे जल्दी। सर ये सुजीत सिंह का एड्रेस और फोन नंबर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बैंक की सेंट्रल ब्रांच से मिल जाएगी सर। सेंट्रल ब्रांच में फोन करो। डिटेक्टिव देव कुमार पकड़ा गया। अरे मैंने कुछ नहीं किया। अरे साहब मेरा इस रॉबरी से कोई लेना देना नहीं है। सब वो प्रमोद है ना बैंक मैनेजर, उनकी बीवी ने मुझे ये सब करने के लिए कहा था। सर ये रजनीश के घर से एक स्केलेटन मिला। What? आस पड़ोस से भी पता नहीं चल रहा है कि स्केलेटन किसका होगा। स्केलेटन को बिल्कुल लड़की की तरह सजाया हुआ है। एक बात बोलो सर, स्केलेटन की उंगली में वही डायमंड रिंग पहनाई हुई है जो अमृता की उंगली से काट के निकाली गई। पक्का रजनीश ने कहीं और भी मर्डर किए होंगे। अब शायद हमें यह भी सुनने को मिले कि अगला मर्डर इसने सुजीत सिंह का किया। एक काम करो, इसका बैकग्राउंड अच्छे से खंगालो और ये भी पता करो कि इसके घर में स्केलेटन किसका है। ओके ओके सर। सर देवेंद्र ने हमें जी सुजीत सिंह के बारे में बताया था, मेरी उनसे बात हुई है, वो जिंदा है सर। लेकिन अभी तक हमें ये श्योर नहीं है कि वो किस सुजीत सिंह को यहाँ बुला रहा है। आई होप किसी दूसरे सुजीत सिंह का मर्डर ना हो। फिलहाल इस सुजीत सिंह को यहाँ बुला लो। मैडम वो डिटेक्टिव मैंने अपने पति की जासूसी करने के लिए हायर किया था, उसका इस रॉबरी से कोई लेना देना नहीं है। क्या जासूसी कर रही थी आप अपने पति की? क्योंकि मुझे शक है कि प्रमोद का उनकी कुलीग निहारिका के साथ अफेयर चल रहा है। हमें भी ये शक है कि आपके पति उन बैंक रॉबर्स के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसके साथ मिलकर कोई गेम खेल रही हो? प्रमोद का मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कोई गेम नहीं खेल रही हूँ। और आप ये सारी बातें निहारिका के पति से क्यों नहीं पूछती है? उसे भी मालूम होगा कि निहारिका प्रमोद के साथ क्या गेम खेल रही है। सुजीत सर जी। सर मैं देवेंद्र, मैं इसी ब्रांच में काम करता हूँ। आइए सर एक सेकंड। सर 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 सुजीत सिंह जी सर। सर मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता। आप अपनी एक्स एम्प्लॉई अमृता सिंह को तो जानते होंगे। इस रजनीश ने उसका मर्डर कर दिया है और अब उसने आपको बुलाया। आप कुछ बता सकते हैं क्या चाहता है ये? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे बहुत जोर से पेशाब कब तक बिठाएगा इनको? तू करना क्या चाहता है इनके साथ? तू तो बोला था कि पैसे लेके भाग जाएंगे। मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ ना। अबे क्या सोच रहा है तू? अबे सोच करो। तेरे को बाप दिखता था ना इसमें? देख मार दिया। अब मेरी बात का जवाब दे, तू पैसा लेके भागा क्यों नहीं? रजनीश उत्कल, मैंने मना किया था ना गोली चलाने के लिए, फिर क्यों चलाई गोली? अब एक एक करके सब मरेंगे इंस्पेक्टर। बता सुजीत सिंह कहाँ है? तूने कहा था ना सुजीत सिंह को बुलाने के लिए, हमने बुला दिया सुजीत सिंह को। सुजीत सिंह इस बैंक के एरिया मैनेजर है, तुझे उन्हीं से बात करनी थी ना। एकदम सही आदमी को लेके आया इंस्पेक्टर। अब बोल चाहता क्या है तू? मैं क्या चाहता हूं अभी बताता हूं। सुजीत सिंह, ये चीख सुनाई दी किसकी है तो तुम नहीं बताओगे? ठीक है, ये लड़की बताएगी। क्या नाम है तुम्हारा?
झूठ। बैंक में नौकरी नहीं थी तो फॉर्म में बर्थमार क्या भरा था तुमने? तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मुझे सिर्फ सुजीत सिंह से बात करनी है। हाँ हाँ मैं करवाता हूँ बात, लेकिन तुम किसी को नुकसान मत पहुंचाना। मैं सुजीत सिंह बोल रहा हूँ। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम रजनीश दीक्षित है और मेरे बाप का नाम दिनेश लाल दीक्षित। सुजीत सिंह तेरी जुबान क्यों सिल गई? तू बोल नहीं तो ये लड़की खामोश हो जाएगी। बस रजनीश बस। मैं तभी रुकूंगा जब तू 16 साल पहले वाली कहानियां सबको बताएगा, जिसने एक परिवार को पूरी तरीके से तबाह करके रख दिया। बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। सर जिस कंपनी को आपने 50 करोड़ का लोन सैंक्शन किया है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। दिनेश सब एग्जिस्ट करती है। मैंने अपनी रिपोर्ट सुजीत सर को सबमिट कर दी। हाँ अमृता ठीक है, लेकिन जो कंपनी लोन पास हो गया है तुझे तेरा हिस्सा मिल जाएगा, टेंशन मत ले। मतलब आप दोनों बैंक को अंधेरे में रखकर ये लोन पास कर रहे हैं। मैं सेंट्रल ब्रांच के जीएम से आप दोनों की शिकायत करूंगा। आप दोनों सस्पेंड हो जाएंगे, जेल में जाएंगे, और जेल में जाके जब चक्की पीसेंगे ना तो समझ में आएगा कि फ्रॉड का मतलब होता क्या है। और हम क्या करेंगे पता है? मैं भी पुलिस स्टेशन जाऊंगी और तुम्हारी कंप्लेन करूंगी कि तुमने मुझे शादी का झूठा झांसा देकर मोलेस्ट करने की कोशिश की। और तुम मुझे जानते तो हो ही, मैं कुछ भी कर सकती। उस अमृता सिंह ने मेरे बाप के चरित्र पर उंगली उठाकर उन्हें दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। आज 16 साल बाद उस अमृता सिंह को मारकर मैंने उसकी उंगली भी काट दी। सोलह साल से मेरा परिवार जो दर्द झेल रहा है ना, आज उसका हिसाब होगा। तुम दोनों के दिए हुए घाव ने मेरे बाप की जान ले ली, मैं आज उसका बदला लूंगा। जब तुझे अमृता को मारना ही था तो तूने उसे अपनी किडनी डोनेट क्यों की? और कितने लोगों को मारा तूने? और तेरे घर पर जो स्केलेटन है वो किसका है? उसका जवाब देगी ये लड़की। रोबर्ट इस वक्त सुजीत सिंह के साथ है। ये सही वक्त है बैंक के अंदर दाखिल होने का। देवेंद्र का सर, सर मुझे जल्दी से बताओ बैंक के अंदर क्या चीज कहाँ पर है? सर जब ब्रांच में एंटर करेंगे तो राइट साइड में कैश काउंटर है, और सर लेफ्ट साइड में लॉकर का गेट है, और सर सामने की तरफ मैनेजर्स केबिन है, और एंड में सर टॉयलेट है। और एक मिनट, टॉयलेट कहाँ पर है? सर बिल्कुल लास्ट में। बोल तेरा नाम क्या है? नाम निहारिका है। असली नाम बता। प्रीति है मेरा। अपने बाप के नाम के साथ बता। प्रीति सुजीत कांसी। जोर से बाहर तो सुनाई देना चाहिए। प्रीति सुजीत कांसी। सुना? सुजीत सिंह बता कौन है असली निहारिका? मेरे पापा के साथ जो तूने किया वो मैं भूल गया, लेकिन जो तूने मेरी बहन के साथ किया ना सुजीत, वो बहुत बुरा किया। वो मेरे पापा के नाम पे लगे धब्बे को मिटाना चाहती थी। उसने इस बैंक में जॉब के लिए अप्लाई भी किया था, उससे सेलेक्ट भी हो गई थी, लेकिन तूने प्रमोद को बोल करके जो उसके साथ किया ना, वो बहुत गलत था। कहां से बनवाए नकली डॉक्यूमेंट्स? बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे हैं। तो नहीं सर, ये क्या कह रहे हैं आप? ओरिजिनल ही है। ओरिजिनल है मतलब मैं झूठ बोल रहा हूं, मुझे असली नकली की पहचान नहीं है। सारे के सारे डॉक्यूमेंट झूठे हैं तुम्हारे। रुक एक सेकेंड, यही रुक। कब निहारिका ये है और हम इसे ऑलरेडी जॉब दे चुके हैं, तो क्या यहां पे जालसाजी करने आई है? नहीं नहीं सर, मैं निहारिका हूं।
ये अपॉइंटमेंट मेरे नाम पे। ड्रामा बंद कर अब अपना। यंग को इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना अब तक पुलिस में अंदर करवा दिया होता। रामलाल लेके जाओ उसको। सर की बात तो सुनिए। उस हादसे के बाद मेरी बहन ने आत्महत्या करने की कोशिश की और वो कोमा में चली गई। उसके इलाज में हमारी पाई पाई खर्च हो गई। हमने उसे अपने घर पे रखा लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर तक के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचे। फिर मैंने अपने हाथों से उसे मैं पिछले एक साल से अपनी बहन के लाश के साथ जी रहा था। फिर मैंने तय किया मैं इन सब का बदला लूंगा। मैंने अमृता को ढूंढ निकाला, फिर मुझे पता लगा उसे किडनी की जरूरत थी और मुझे पैसों की। वो नहीं जानती थी कि मैं दिनेश दीक्षित का बेटा हूं। मैं उसका मसीहा बना और मैंने अपनी किडनी दी बदले में 10 लाख रुपए लिए। उसी पैसे से मैंने सुजीत तुझसे और तेरी बेटी से अपना गुनाह कबूल करवाने का प्लान बनाया। सुमित और उत्कल पैसों की वजह से मेरे साथ आ गए। फिर मैंने बाबूलाल की जगह सुमित को दिलवाने के दिमाग लगाया और बाबूलाल को भी लालच दिया। मेरे कहने पर ही बाबूलाल ने सुमित को यहाँ बैंक में लगवाया। फिर मैंने बाबूलाल को भी खत्म कर दिया। पर ये सारा पर्दाफाश करने के लिए मुझे तुम्हारी और मीडिया की जरूरत थी और तुम लोगों ने मुझे निराश नहीं किया। सर हम लोग अंदर घुस रहे हैं, आप उसका ध्यान अपनी तरफ खींचिए। रजनीश, बाबूलाल ने तेरा साथ दिया, तूने उसको भी मार दिया, फिर तूने सुमित को अपने साथ मिलाया, तूने सुमित का भी मर्डर कर दिया। उत्कल सुन मेरी बात, देख रजनीश तो अपने सर पे कफन बांध के आया है, अब तू सोच तुझे क्या करना है। रजनीश, जिस जिसने तेरा साथ दिया है तूने सबको मार दिया, अब ये बता क्या तू उत्कल को भी मारने वाला है? इंस्पेक्टर, उत्कल को भड़काने की नाकाम कोशिश कर रहा है तू। सुमित को इसी ने मारा क्योंकि उसको पैसों का बंटवारा नहीं चाहिए था। उत्कल तू मेरी बात सुन, सोच अगर तू बचना चाहता है तो। तेरे और तेरे बाप की वजह से छिपाया जाता है तब वो कभी ना कभी इसी लावे की तरह फटता है। ये भी एक ऐसी सनक का अंजाम था जिसने पुलिस के पसीने छुड़वा दिए। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आखिरकार रजनीश दीक्षित को ये सब करके क्या मिला? वो अपने परिवार के साथ हुई नाइंसाफी के खिलाफ एक कानूनी लड़ाई भी लड़ सकता था, लेकिन उसने अपराध का रास्ता चुना। उसके इसी सनक के खेल में एक पुलिसकर्मी समेत कई लोगों की जान चली गई। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इंसानी लालच हमें किस हद तक गिरा सकता है। हम बात कर रहे हैं अमृता और सुजीत की, जिनके लालच की भूख ने दिनेश दीक्षित के पूरे परिवार को इस तरह से खत्म कर दिया कि उनके बेटे रजनीश का कानून पर से भरोसा ही उठ गया। रजनीश ने जो कुछ भी किया वो सरासर गलत है, लेकिन उसके परिवार के साथ जो हुआ उस तकलीफ को भी शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।